हेलो फ्रेंड, मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं डिले ऑन टाइमर प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। डिले ऑन मतलब, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे कि टीवी, फैन, फ्रीजर, ऐसा कोई चीज ऑन कंडीशन में है एंड सडनली पावर चला जाता है एंड कुछ टाइम बाद फिर से पावर चला आता है एंड आपका जो सामान था वो तुरंत ऑन हो जाता है एंड ये उस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही पावर आता है वोल्टेज थोड़ा हाई रहता है, इससे आपका सामान खराब हो सकता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये सर्किट। ये सर्किट क्या करेगा, पावर आने के बाद आपका जो अप्लायंस है उसको तुरंत ऑन नहीं करेगा, कुछ टाइम डिले के बाद ऑन करेगा। वो टाइम 10 सेकंड भी हो सकता है या 2 मिनट भी हो सकता है, यहाँ पे अपने हिसाब से उस टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले मैं ब्रेडबोर्ड पर बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद इसको जीरो पीसी बोर्ड पर फाइनली बनाकर दिखेंगे। यहाँ पर जो मेन ब्रेन है वो है 555 टाइमर आईसी। 555 आईसी को मैंने ब्रेडबोर्ड पे सेट कर लिया है। कनेक्शन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आईसी पिन 8 एंड 4 को जम्पर किया है एंड आईसी पिन 2 एंड 6 को एक साथ जम्पर किया है। आईसी पिन 3 जो आउटपुट पिन है, इस पिन के साथ एक एलईडी कनेक्शन किया है। आईसी पिन 1 को कनेक्ट किया है नेगेटिव के साथ एंड आईसी पिन 8 को कनेक्ट किया है पॉजिटिव सप्लाई के साथ। एंड यहाँ पे सप्लाई के साथ एक एलईडी कनेक्शन किया है पावर इंडिकेशन के लिए। यहाँ पे और दो चीज चाहिए, एक है कैपेसिटर एंड दूसरा है रेजिस्टर। यह है एक 47 के रेजिस्टर, इसका कनेक्शन करना होगा आईसी पिन 1 एंड 2 के साथ। एंड यह है 220 माइक्रोफार्ड कैपेसिटर, इसका कनेक्शन कराना होगा आईसी पिन 8 एंड 6 के साथ। कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन रहेगा आईसी पिन 8 पे एंड नेगेटिव रहेगा आईसी पिन 6 पे। आप चाहो तो आईसी पिन 2 एंड 4 पे भी कर सकते हो, दोनों ही सेम है। तो हमारा सर्किट रेडी हो चुका है, तो चलिए आप सर्किट को पावर देते हैं। मैं यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉपवॉच में अब देख पाओगे पावर देने के कितना समय बाद आउटपुट ऑन होता है। यहाँ पे पावर एलईडी ऑन हो चुका है, आप देखते हैं ये रेड एलईडी कब ऑन होता है। तो आप देख सकते हो 10 सेकंड बाद आउटपुट में जो रेड एलईडी है वो ऑन हो गया है। तो चलिए अब डिले को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। डिले को दो तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, एक है रजिस्टर से और दूसरा है कैपेसिटर से। पहले रजिस्टर से देख लेते हैं। यह एक 100 का रजिस्टर, आईसी पिन 1 एंड 2 में जो रजिस्टर है उसको निकल के इस रजिस्टर का कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए आप देखते हैं कितना टाइम बाद ये ऑन होता है। तो आप देख सकते हो 22 सेकंड के बाद ये एलईडी ऑन हो गया है, मतलब पहले से डिले इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे मैं 220 के रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी सेम आईसी पिन 1 एंड 2 पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखते हैं ये कितना डिले के बाद ऑन होता है। तो आप देख सकते हो 53 सेकंड के बाद ये ऑन हुआ है, मतलब 1 मिनट डिले के लिए 250 किलो ओम रजिस्टर के आसपास आप यूज कर सकते हो। तो चलिए फाइनली और एक रजिस्टर को कनेक्ट करके देखते हैं। यह है एक 510 के रजिस्टर, इसको कनेक्ट करने से 2 मिनट डिले होना चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 2 मिनट 5 सेकंड के बाद एलईडी ऑन हो गया है। तो इस तरीके से आप डिले को एडजस्ट कर सकते हो। अब दूसरा जो तरीका है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसको चेंज करके भी डिले को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो एक कैपेसिटर को चेंज करके दिखाता हूँ। ये था 220 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, अब यूज करूंगा 22 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। पहले से 10 गुना कम वैल्यू, मतलब डिले भी 10 गुना कम होना चाहिए। पहले हुआ था 2 मिनट 5 सेकंड, मतलब 125 सेकंड। तो अब 10 गुना कम होना चाहिए, मतलब 12 सेकंड के आसपास डिले होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 12 सेकंड के आसपास ही ये ऑन हो गया है। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर चेंज करके डिले को एडजस्ट कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से एक दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 500 के पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। पॉट के 2 पिन के साथ मैं जम्पर वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं रैंडमली 130 के सेट कर लेता हूँ एंड इस दोनों जम्पर वायर को उसी आईसी पिन 1 एंड 2 पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 3 सेकंड के बाद ही ये ऑन हो गया है।
क्योंकि काम वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो चलिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब 30 सेकंड के बाद ये ऑन हुआ है। अब पोर्ट को एडजस्ट करके भी डिले को सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो सर्किट है एक्चुअल में क्या हो रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मेन दो कंपोनेंट है, एक है रजिस्टर और दूसरा है कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक पिन कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ और कैपेसिटर का नेगेटिव पिन कनेक्टेड है आईसी पिन 6 या 2 के साथ। यहाँ पे जो रजिस्टर है आईसी पिन 1 मतलब नेगेटिव से आईसी पिन 2 के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब इस रजिस्टर से करंट पास होके आईसी पिन 2 पे जा रहा है जो कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। इससे क्या हो रहा है यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है एंड जैसे कैपेसिटर एक लेवल तक चार्ज होता है आउटपुट को ऑन कर देता है। रजिस्टर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा कैपेसिटर को चार्ज होने में उतना टाइम लगेगा एंड उतना देरी से ही आउटपुट ऑन होगा। तो चलिए इस सर्किट को अब 0 PC बोर्ड पे बना लेते हैं। यह प्रोजेक्ट का मेन सर्किट डायग्राम इस सर्किट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप डाउनलोड करके इसे आप देख सकते हो। तो चलिए सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। यह 5 वोल्ट पावर सप्लाई बोर्ड मोबाइल चार्जर में यह बोर्ड रहता है। मेरे पास एक पुराना मोबाइल चार्जर था उससे मैं इसको निकाला हूँ। तो आप देख सकते हो ये रेडी हो चुका है। अब चलिए टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे है 220 वोल्ट AC। यहाँ पे पावर ऑन करते ही जो LED है ये ग्रीन होगा एंड आउटपुट जैसे ऑन होगा ये LED रेड हो जाएगा। देखिए ये रेड हो चुका है मतलब आउटपुट ऑन हो गया है। यहाँ पे डिले है 6 सेकंड। मैं यहाँ पे पॉट को एडजस्ट करके डिले को इंक्रीज करता हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक बल्ब प्लग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 30 सेकंड के बाद बल्ब ऑन हो गया है। तो आप पॉट को मैक्सिमम पे सेट करके देखते हैं मैक्सिमम कितना डिले मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम 2 मिनट 8 सेकंड तक सेट कर सकते हो, लेकिन आप ज्यादा वैल्यू का पोटेंशियोमीटर यूज करके डिले को बढ़ा सकते हो। आपको होम अप्लायंस को सेव करने के लिए इस तरीके से आप इस डिले सर्किट को बना सकते हो। यहाँ पे आपके मन में एक डाउट होगा शायद, यहाँ पे पावर देते ही आउटपुट डिले होके ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पावर जाने के बाद फिर से जब पावर आएगा तब डिले होके ऑन होगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए यहाँ पे यूज करना होगा एक बटन स्विच। इसका कनेक्शन करना होगा आईसी पिन 1 और 2 के साथ। इससे क्या होगा जैसे ही आप स्विच को प्रेस करोगे आउटपुट में लोड तुरंत ऑन हो जाएगा
ऐप पे बटन प्रेस करते ही कैपेसिटर को तुरंत चार्ज कर रहा है एंड आउटपुट को जल्दी से ऑन कर रहा है। मतलब बटन को प्रेस करके आउटपुट को तुरंत ऑन कर सकते हो। इस तरीके से बटन स्विच इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऐप पे मैंने इसको नहीं दिखाया है, लेकिन आप इसको कनेक्शन कर लीजिएगा। ऐप पे जो मेरा लोड है वो कम है, इसलिए मैं ऐप पे कम एम्पीयर का रिले इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन आप चाहो तो ज़्यादा बड़ा लोड के लिए ऐसा बड़ा रिले इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।